अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है मटन पुलाव, जो हम थोड़ा सा बना रहे हैं। ये इसके जो मसाला जाते हैं, ये हैं प्याज एक दरमियाने साइज़ की जिसको हमने कट कर लिया था, ये है एक दो छोटे टमाटर, थोड़ा सा डेढ़ टीस्पून पुदीना, दो हरी मिर्चें, और ये है 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा, ये हमने इसमें डाल दिया है। अब हम अपना यह ऑयल गरम कर लें। इसमें हम ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को ब्राउन करेंगे और ये यखनी हमने पहले से बना कर रखी है। इसमें हमने मटन में ज़ीरा, सौंफ, धनिया, साबुत गरम मसाला, प्याज साबुत प्याज, लहसुन साबुत लहसुन और नमक हमने ये डाल के हमने इसे बॉईल कर लिया था और गोश्त गरम किया था, बॉईल कर लिया। अभी हमारी यखनी तैयार है। ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है, ज़ीरा और अदरक लहसुन। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा हमने पानी भी डाल दिया था ताकि लहसुन सही तरह से भुन जाए। अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च और पुदीना, ये चीज़ें भी शामिल कर देंगे। और ये 2 टीस्पून दही है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त अब हम इसमें अपना गोश्त भी शामिल कर देंगे, क्योंकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गला हुआ है, इसलिए हमने पहले ये मसाला जार डाल दिए थे। अभी हम अपना गोश्त शामिल कर देंगे। ये हम इसे टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम गोश्त की जो यखनी में से हमने बोटियाँ इसमें डाली थी, इसको भी हम इसमें भून लेंगे थोड़ा से, टमाटर गलने तक इसका हम भुनाई करेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून, अभी हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो शामिल कर देंगे। और जो चावल हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे, ये चावल जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे, हमने इसका पानी निकाल दिया है। और ये हमारे तकरीबन 1.5 पाव चावल हैं और हमारा गोश्त भी 1.5 पाव था जो बकरे का, वो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये हमने अपने चावल डाल दिए, अब इसमें यखनी का जो पानी था वो शामिल कर देंगे, इतना कि ये चावल हमारे इसमें टूट जाए। या आप, अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप इसको उंगली से भी अंदाज़ा कर सकते हैं, इसे चावल से 1 इंच। ये हमने थोड़ी सी इसमें कुटी हुई मिर्चें भी शामिल कर दी हैं, अब हम इसमें बॉयल आने तक इसे वेट करते हैं। बॉयल, अब हम इसमें बॉयल लेंगे, ढक्कन ढक देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हमारे चावल में बॉयल अच्छी तरह से आ चुका है, हमने इसमें नमक भी शामिल कर दिया था। अब ये हमारे बासमती चावल थे जो हमने भिगोए हुए थे, अब ये हम इसे थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे, क्योंकि हमारे भाई को सॉफ्ट चावल पसंद है, वो सॉफ्ट चावल खाते हैं, इसलिए हमें अब इसे हम दम पर रख देंगे ताकि चावल सॉफ्ट रहें। ये देखें ये हमारे चावल दम हो चुके हैं, देखें ये सॉफ्ट भी हैं और खिले हुए भी हैं, सॉफ्ट हैं मगर खिले हुए हैं। अब हम इसे पेशाब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये हमारी बिरयानी मटन पुलाव यानी कि रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको ये रेसिपी पसंद आए।